नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली को आज 80 दिन बाद मेयर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सिविक सेंटर में एमसीडी की बैठक होगी, जिसमें मेयर का चुनाव किया जाएगा। और ये चौथा कोशिश आप कह सकते हैं, चौथी कोशिश होगी जब आज दिल्ली को मेयर मिलने की उम्मीद है। मेयर के साथ साथ आज डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होगा। हंगामे के कारण अभी तक एमसीडी की 3 बैठक में चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज एमसीडी की पिक्चर क्लियर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 10 एल्डरमैन यानी कि नॉमिनेटेड पार्षद चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये मेयर का चुनाव हो रहा है। मेयर चुनाव से पहले आज भी सिविक सेंटर के बाहर हंगामा हुआ है। दरअसल सिविक सेंटर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर सदन में जाने से भी रोकने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस सिर्फ बीजेपी के लोगों को सदन में भेज रही है। और एक बार फिर से सिविक सेंटर से जो तस्वीरें आ रही है, इस बार भी हंगामा हो रहा है। फ्रीडम एफ से सीकर, क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तीनों बार हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये चौथी बार है जब आज उम्मीद जताई जा रही है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। तो आज मेयर चुनाव से पहले आज भी सिविक सेंटर के बाहर हंगामा शुरू हो गया है। देखिए हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज हाउस के अंदर जिनके पास कार्ड है, जो वोट डाल रहे थे, उनको जाने दिया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने विजेंदर गुप्ता, जो ना इस हाउस के मेंबर हैं, ना विधायक हैं, ना पार्षद हैं, उनको जाने दिया, बाकी सबके लिए बैरिकेड लगा दिया। तो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को अंदर भेजने का काम कर रही है अपने संरक्षण में। हम सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस सदन के वोटर नहीं है, उनको भी बाहर निकाला जाए। जैसे सारे लोग बाहर खड़े हैं, उनको भी बाहर किया जाए। नहीं तो सारे लोग दूसरे फ्लोर पे जाने दिए। हमें कहते हैं कि जो नियमता, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं तो दूसरे फ्लोर पे नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है, आप सारे लोगों को वहां जाने दीजिए। ये पूरी तरीके से एमसीडी के अंदर पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी हो रही है, जिसका हम सारे लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। तो एमसीडी बैठक में हंगामे की आशंका को देखते हुए सिविक सेंटर के बाहर पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जितिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एमसीडी में आज मेयर का चुनाव होना है, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। सिविक सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात है। हालांकि इससे पहले 3 बार जब बैठक हुई वो बेनतीजा रही, मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसी स्थिति आज ना हो उसी को देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। सिविक सेंटर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहां पर तैनात किए गए। हालांकि आज उम्मीद है कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। फ्रीडम एफ से सीकर, क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का इलेक्शन आज होना है। हालांकि ये पूरा विवाद 3 बैठकों में जब बेनतीजा रहा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया और उसके बाद से ही आज मेयर पद का चुनाव होना है। हालांकि 11 बजे ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस का सिविक सेंटर और के अंदर और सिविक सेंटर के बाहर दोनों तरफ किया गया है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो किया जा सके। साथ ही सीनियर ऑफिसर दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तैनात है। ब्रीफ करते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि इस तरीके का सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाना है, और अगर प्रोटेस्ट या किसी भी तरीके की स्थिति होती है तो उससे किस तरीके से निपटना है, इस तरीके की ब्रीफिंग भी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन लोगों को उम्मीद इसी बात से कि चौथी बार जब ये बैठक की जा रही है तो उसमें दिल्ली को उसका मेयर मिल जाए। 11 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और लेकिन तमाम तैयारियां जो है वो सिविक सेंटर के अंदर और बाहर पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अजय नेगी के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी, हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।